हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब और खाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब बल्कि ठीक होंगे। अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ। तो जी जरा माशाल्लाह से आज 14वां रोज़ा स्टार्ट हो गया है और बहुत ही प्यारा सा इस वक्त जो है ना दिन निकले। मैंने सारे काम निपटाए हैं और वामिक स्कूल जाएंगे, मैंने उनके लिए लंच तैयार किया है। तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी, आलू चिकन के सीख कबाब, बहुत ही कम मसालों में, स्पेशली बच्चों के लिए। इसे आप अफ्तारी में भी जो है बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। इसको खाएं हरी चटनी के साथ, केचप के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब बल्कि ठीक होंगे। अलहमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। तो जी जनाब, आज हम मज़ेदार बनाएंगे आलू चिकन के सीख कबाब बना रही हूँ। मैं वामी का लंच तैयार कर रही हूँ, तो मैंने सोचा बड़ी अच्छी ये रेसिपी है स्पेशली बच्चों के लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने तकरीबन 4 बड़े आलू लेके इसको बॉयल कर लिया है और मैंने इस तरह मैशर से इसको मैश कर लिया है। ब्रेड क्रम है, होममेड है, ये मैंने घर में तैयार की। देखिए इतनी ज़बरदस्त बनी है ये। और इसके अलावा हमारे पास एक अंडा है और मेरे पास 2 चिकन की बोटियां थी, मैंने उसको इस तरह से उसके रेशे बना लिए हैं। 1 टीस्पून है जी नमक, 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून है चाट मसाला और 1/2 टीस्पून है इसमें काली मिर्च पाउडर है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये एक स्नैक है स्पेशली बच्चों बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर कोई बड़े मज़े से इसे खा सकता है और खाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छे से मैश करके, मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी चला, मैंने मिक्स कर लिया, हाथ में हल्का सा पानी लगाया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको लूँगी इस तरह से और सीख कबाब की हम इसको शक्ल देंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी पहले मैं सब बना लेती हूँ। ये देखें, पहले इस तरह से हम सीख कबाब की शक्ल देंगे, इतना हमने साइज रखना है। ठीक है जी, फिर हमने क्या करना है होती है, ये देखें इससे हमने इसको अंडे में डिप किया, रोल किया, इस तरह से हम डाल देंगे। और क्या करेंगे कि स्पून की मदद से ना इसको इस तरह से देखा आपने कि हमारा एक कबाब बिल्कुल रेडी हो गया। ये देखिए, देखिए आपने साइड में। अब मैं आपको सारे बना के दिखाती हूँ। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से हमारे चिकन आलू के सीख कबाब कह लें, मुट्ठी का कबाब कह लें, तैयार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं ये। 4 आलू में 2 हमने चिकन की बोटियां इसमें ऐड की थी। तो अब हम क्या करते हैं जनाब, ये सब चीज़ें हटा देते हैं और करते हैं हम इसकी तैयारी। भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ कुक्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ कच्चा है। ठीक है जी, हमने डाल दिया है इसमें ऑयल, इसको लेट इट वार्म फर्स्ट, देन वी पुट आवर चिकन पोटैटो। ही फ्राई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाकी मैं बाद में करूँगी। ये मैं बना रही हूँ वामिक के लंच के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। आप बच्चों को बना के दें, कोई भी शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं, इसे ओवल शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप दे सकते हैं, कोई भी अगर सांचा है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आँच कम हो क्योंकि हमने लगाया है इसमें ब्रेड क्रम्स, वो जल ना जाए, अच्छे से बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से हम हल्की आँच पहले कुक करेंगे, फिर हम इसको टर्न करेंगे। आपने माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त, टच नहीं करना हमें। चिकन आलू के सीख कबाब बिल्कुल तैयार हैं, बच्चों के लंच के लिए भी, अफ्तारी में भी आप जो है इसे जो है बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी मज़े का है। टमाटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ इसे खाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लंच बॉक्स मैं मामी का कैसे तैयार करूँगी, ये देखें, ये मैं क्या करूँगी कि मैं बटर पेपर रख दूँगी यहाँ पे। ठीक है जी, इस तरह से बटर पेपर रख दिया, ये सीख कबाब मैंने उठाए और मैं रख दूँगी यहाँ पर, और इस तरह से मैं इसको बंद कर दूँगी ताकि देर तक थोड़े से गर्म रहे। इस तरह से मामी का लंच तैयार हो जाएगा और हम लगा देते हैं इसकी लिड।
ये हो गया मम्मी का लंच तैयार। ठीक है जी,